अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट। जियोग्राफी क्लास 7 ऑल पंजाब बोर्ड्स इंग्लिश मीडियम की वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी है। चैप्टर नंबर 4 की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और यह है लेक्चर नंबर 7, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चैप्टर का नाम है। और आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बड़े गौर से समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जियोग्राफिकल टर्म्स इस्तेमाल होंगी, स्पेशली हमारी अर्थ या हमारा जो ग्लोब है उसके हवाले से। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो जनाब, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, दर्जा हरारत की उफ़की तकसीम। तो पहले हमने वर्टिकल पढ़ी, यानी ऊपर से नीचे जो सूरज की शुआएं नीचे आके ज़मीन को टच करती हैं तो उसकी डिवीजन कैसे हुई है, और जो सूरज की शुआएं यूं राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट ज़मीन के ऊपर पड़ती हैं, यानी ऊपर से बिल्कुल चौड़ाई में नीचे की तरफ पड़ती हैं विड्थ में, तो उसकी डिवीजन हम पढ़ेंगे। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, दर्जा हरारत की उफ़की तकसीम। कुछ टर्म्स आएंगी वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा, मैंने पिक्स डाउनलोड की हुई हैं आपको समझाने के लिए। इक्वेटोरियल रीजन रिमेन्स हॉट थ्रू आउट द ईयर एंड एवरेज टेम्परेचर इज 32 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारे ग्लोब के ऊपर, हमारी ज़मीन के ऊपर इक्वेटोरियल रीजन है, इस्तवाई इलाका है, इक्वेटर के ऊपर मौजूद जो इलाका है, ये सारा साल गर्म रहता है क्योंकि उसके ऊपर सीधी शुआएँ पड़ती हैं। एंड एवरेज टेम्परेचर इज 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इक्वेटोरियल रीजन रिमेन्स हॉट थ्रू आउट द ईयर एंड एवरेज टेम्परेचर इज 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इक्वेटर के ऊपर जो मौजूद इलाका है हमारी अर्थ के ऊपर, हमारे ग्लोब के ऊपर, वो सारा साल गर्म रहता है और इन इलाकों का जो दर्जा हरारत है वो एवरेज, इसकी जो औसत है ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है। ये आप सुन लें, समझ लें, फिर मैं आपको तस्वीरों के जरिए से, पिक्स के जरिए से समझाता हूँ। ऑन कॉन्ट्रेरी आर्कटिक रीजन्स रिमेन वेरी कोल्ड। इसके बरक्स जो आर्कटिक रीजन्स हैं ये बहुत ज़्यादा ठंडे हैं एंड टेम्परेचर रिमेन्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ पे दर्जा हरारत जो है वो नुकता इंजमाद यानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे रहता है। सच अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ये जो गैर मुसावी तकसीम है दर्जा हरारत की ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सतह पर, इज़ नोन एज हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इसको दर्जा हरारत की उफ़की तकसीम भी कहते हैं। नहीं, मैं कुछ डायग्राम्स हैं वो आपको दिखानी और समझानी ज़रूरी हैं ताकि हमें कुछ चीज़ों का पहले से अंदाज़ा हो। तो ये सबसे पहली डायग्राम इक्वेटर को समझने के लिए, ये पूरे के पूरे जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उसके बाद ये आपका अफ्रीका आ गया, ये यहाँ पे यूरोप आ गया, उसके बाद ये वाला आपका नॉर्थ अमेरिका आ गया, ये वाला आपका साउथ अमेरिका आ गया, और उसके बाद ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये आर्कटिक है और नीचे वाला जो है ना एंटार्कटिक है, एंटार्कट का भी इसको कहते हैं। तो टोटल 7 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 2 हो गए, 3 ये वाला एशिया हो गया, ये यूरोप, 2 2 4 हो गए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया 3, यूरोप 4, अफ्रीका 5, और 6 हो गया आपका ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया, और 7th जो है ना इसको काउंट करते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को बिल्कुल काउंट नहीं करते, वो यहाँ पे बिल्कुल आबादी नहीं है, और जो ऊपर वाला आर्कटिक का इलाका यहाँ पे ना होने के बराबर है, लेकिन इसको एज ए कॉन्टिनेंट तसव्वुर करते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। तो हमारी जो ग्लोब है इसके बिल्कुल सेंटर से जो लाइन गुजरती है ये वाली, इसको कहते हैं इक्वेटर या हत्ते इस्तवा। इक्वेटर यानी ये हमारी ज़मीन को, हमारे ग्लोब को दो बराबर पार्ट्स में तकसीम करता है। अगर इसको एक फ़ुटबॉल या गेंद की मानद लें, उसको दरमियान से तकसीम करें, तो सेंटर वाली लाइन कहलाएगी इक्वेटर और ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये वैसे तो पूरे का पूरा स्फीयर है, स्फीयर का मतलब दायरा या गोल, और इसको निसफ कुर्रा के, वैसे कुर्रा भी कहते हैं इसको, गोल जो होता है ना गोल, इसको कुर्रा कहते हैं, और जब आधा हो जाएगा तो ये निसफ कुर्रा हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला निसफ कुर्रा हो गया शुमाली निसफ कुर्रा, और जो नीचे वाला है ये साउदर्न हेमिस्फीयर या फिर जनूबी निसफ कुर्रा,
यानी ये आधा दायरा, ये आधा दायरा, ये टोटल, ये पूरे का पूरा ग्लोब बनता है। और दरमियान से गुजरने वाली ये जो लाइन है ये नज़र नहीं आती, ये एक ख्याली लाइन है, इसको आप कहीं से भी सेंटर से गुजार सकते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। जी इक्वेटर की आपको समझ आ गई। अब इसको मज़ीद हम कुछ चीज़ें अभी समझ लेते हैं ताकि बाद में हमें समझने में आसानी रहे। तो ये वो तो एक एक्सटेंडेड पिक्चर थी। अब ये ग्लोब के ऊपर आप देख सकते हैं ये सेंटर वाली जो लाइन है इसको इक्वेटर कहते हैं, इसको खत्ते इस्तवा कहते हैं। इसके बिल्कुल ऊपर ये जो लाइन गुजर रही है, इस तरह की बेशुमार जो है ना हर मकाम से ये गोलाई में लाइनें गुजरती हैं, दायरे बनते हैं, चक्कर बनते हैं। ये इक्वेटर एक पूरा चक्कर है जो पूरी ज़मीन के गिर्द घूमता है। अब इसकी डिग्रीज़ हैं, ऊपर की तरफ चले जाएँ तो ये नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से इस फासले के ऊपर ये जो लाइन गुजर रही है इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हत्ते सुल्तान। तो ये जो हमारे जियोग्राफिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये स्टडी है और उन्होंने ही ये नाम दिए हुए हैं। और यहाँ से जितना फासला ये ऊपर है इतना ही फासला नीचे साउथ की तरफ, ये ध्यान में रखना है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ है और इक्वेटर से नीचे वाला साउथ है। तो बिल्कुल बराबर के फासले पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, खत्ते जद्दी, इसको खत्ते जद्दी कहते हैं। ये ऊपर वाले को खत्ते सुल्तान कहते हैं, दरमियान वाले को खत्ते इस्तवा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और सेंटर वाला इक्वेटर। तो ये टर्म्स आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि आगे क्वेश्चन में इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। मज़ीद चीज़ें समझ लें, ये हमारा पूरे का पूरा ग्लोब हो गया, सेंटर वाला ये इक्वेटर आ गया, ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और टॉप पे ये जो पॉइंट है ये इसके एक्सिस हैं अर्थ के, ये नॉर्थ पोल है, यानी इसके इस पॉइंट पर यह ज़मीन अपने इर्द जो ना अपनी गुलाई में घूमती है। ये नॉर्थ पोल है कुतुब शुमाली और ये नीचे वाला साउथ पोल है कुतुब जनूबी। वैसे इस एरिए को आर्कटिक कहते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को एंटार्कटिक का कहते हैं। मज़ीद समझ लेते हैं, मैंने काफ़ी सारी डायग्राम्स आपको समझाने के लिए की हैं। ये बड़ी ज़रूरी डायग्राम है, ये जो इक्वेटर वाला दायरा है, तो इस तरह के बेशुमार दायरे जो है ना वो हर पॉइंट पे आप दायरा जो है ना बना सकते हैं ज़मीन के गिरदा गिर्द। तो ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के बिल्कुल बैलेंस पर जितनी लाइनें ड्रा हो सकती हैं इन तमाम जो लाइनें हैं इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। इन तमाम ये जितने भी दायरे हैं जो कि गोलाई में ये इक्वेटर के बराबर बराबर ज़मीन के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में से भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में से भी गुजरते हैं, इनकी डिग्रीज़ हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, हत्ता के ऊपर जाके 90 डिग्री। इसी तरह जब नीचे की तरफ आएंगे ये भी 10, 20, 30 से लेके 90 डिग्री साउथ और ये 90 डिग्री नॉर्थ। तो ये जितने भी सर्कल हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं लैटिट्यूड। अब आ जाएं जनाब दूसरी तरफ, तो इसके बिल्कुल उल्ट जब लंबाई के रुख में हम ये लाइनें लगाएंगे, ये लंबाई के रुख में, तो इनकी भी डिग्रीज़ हैं, ये भी ये ज़ीरो से स्टार्ट होगी, यानी ये जो ज़ीरो है यहीं से स्टार्ट होगी और यहाँ से इस तरफ जाएंगी, यहाँ से इस तरफ जाएंगी। इनको हम कहते हैं लॉन्जिट्यूड, हतूत अर्जबल्द, हतूत तूलबल्द। तो ये भी ज़मीन की पैमाइश के लिए, इसकी डिग्रीज़ को मापने के लिए है। ये टर्म्स भी समझनी ज़रूरी थी, और देखते हैं कौन सी टर्म्स रह गई हैं मज़ीद समझने के लिए। हाँ तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई गई हैं, ये इक्वेटर है, उसके बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23 डिग्री नॉर्थ होता है ये, यानी यहाँ पर ज़ीरो होता है और यहाँ पर 23 डिग्री नॉर्थ होता है। यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये 23 डिग्री साउथ होता है, यानी ऊपर से साउथ की तरफ हम जा रहे हैं। और ये ऊपर ये वाला जो दायरा है ये कहलाता है आर्कटिक सर्कल, ये 67 डिग्री नॉर्थ है। इसी तरह नीचे ये जो दायरा है ये कहलाता है एंटार्कटिक सर्कल और ये 67 डिग्री साउथ है। ये जो इक्वेटर है यहाँ से लेके, यानी इन इनके ऊपर ही सारी दुनिया के ममालिक मौजूद है ना, ये जो इक्वेटर है ना हत्ते इस्तवा, इससे लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का एरिया, और इसी तरह से इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी नीचे से ऊपर नॉर्थ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ से नीचे साउथ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस पूरे इलाके को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, इस्तवाई हिता, यानी इक्वेटर के करीब है।
इक्वेटर से ये ऊपर 23 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर से नीचे 23 डिग्री साउथ। इस सारे एरिए को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, इस्तवाई खिता। इसको मंतका हारा भी कहते हैं, हरारत वाला। उसके बाद जो अगला हिस्सा है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक तक, यानी आर्कटिक के आगे तो बर्फ़ पड़ी हुई है ना, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक तक ये टेम्परेट जोन है। यहाँ पे मौसम जो होता है मोतदिल होता है, इसको मंतका मोतदिला भी कहते हैं। इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक साउथ में जितना एरिया है इसको भी टेम्परेट जोन कहते हैं, और ये जो होता है ये भी मंतका मोतदिला कहलाता है। इसके बाद जो बिल्कुल टॉप पे बर्फ़ पड़ी हुई है आर्कटिक जोन में, इस तरह से अंटार्कटिक जोन में, इसको टॉरिड जोन कहते हैं या आर्कटिक जोन कहते हैं, और ये होता है मंतका बारदा, यानी शदीद ठंड वाला बर्फ़ वाला एरिया। तो ये मैंने अब आपको समझा दी सारी टर्म्स, अब हम बड़ी आसानी के साथ कोशिश करेंगे कि आपको समझ आ जाए आज के टॉपिक की। ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, उफकी तकसीम की बुनियाद पर, ऑफ टेम्परेचर, दर्जा हरारत की, द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री जोन्स, ज़मीन की सतह को तीन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। तो ये जो उफकी तकसीम है दर्जा हरारत की, इसकी बुनियाद पर ज़मीन की सतह को तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। आपको डायग्राम के ज़रिए मैं समझा चुका हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन है ट्रॉपिकल जोन, पहला है इस्तवाई हिता या फिर मंतका हारा। इट इज़ ए हॉट रीजन, ये गर्म इलाका है, विच एक्सटेंड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर, जो इक्वेटर के दोनों तरफ फैला हुआ है। इट एक्सटेंड्स फ्राम दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर ऑन नॉर्दर्न साइड टू दी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ ऑन दी साउदर्न साइड। तो ये आपको डायग्राम के जरिए मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे भी डायग्राम दी हुई है। ये दरमियान में इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। दोनों ये ऊपर वाला 23 डिग्री नॉर्थ पे है, ये जो है 23 डिग्री साउथ पे है। तो इस सेंटर में जितना एरिया ये सारे का सारा ट्रॉपिकल जोन है, मंतका हारा या इस्तवाई खिता कहलाता है। नंबर टू टेम्परेट जोन, मंतका मोतदिला। टेम्परेट जोन एक्सटेंड्स फ्राम दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ टू आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑन नॉर्दर्न साइड। यहाँ से लेके ये आर्कटिक सर्कल तक, और ये तकरीबन 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके तो एंटार्कटिक सर्कल तक 66.5 डिग्री साउथ तक, ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया, ये सारे का सारा कहलाता है टेम्परेट जोन। दिस रीजन इज नीदर टू कोल्ड नॉट टू हाइट, ये ना बहुत ठंडा है ना बहुत ज़्यादा गर्म है। और तीसरा आ गया टॉरिड जोन, मंतका बारदा। बारदा कहते हैं बहुत ठंडा। इन नॉर्दर्न हेमिसफियर, यानी कि ये ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिसफियर है, नीचे वाला साउदर्न हेमिसफियर है, ये मैं तफसील से बता चुका हूँ। यहाँ पे बिल्कुल टॉप के ऊपर ये वाला एरिया, इन नॉर्दर्न हेमिसफियर फ्रिजिड जोन एक्सटेंड्स बिटवीन आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, एंड इन साउदर्न हेमिसफियर इट एक्सटेंड्स बिटवीन एंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ एंड साउथ पोल 90 डिग्री नॉर्थ। तो नॉर्थन हेमिसफियर में ये इंतहाई ठंडा जो है ना जोन है, फ्रिजिड जोन है, और ये आर्कटिक सर्कल, यानी ये जो आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ था, यहाँ से लेके ऊपर टॉप तक यानी 90 डिग्री तक नॉर्थ में ये पूरा एरिया, और इस तरह साउथ में एंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक ये पूरे का पूरा एरिया, ये सारे का सारा टॉरिड जोन कहलाता है। और ये यहाँ पे सारा साल बर्फ़ रहती है, शदीद बर्फ़, ज़िंदगी के कोई इम्कान नहीं है। ये ऊपर वाले हिस्से में चंद एक ज़िंदगी के इम्कान मौजूद हैं, लेकिन ये नीचे वाले हिस्से साउथ पोल में बिल्कुल इम्कान नहीं है। दिस रीजन इज़ वेरी कोल्ड, ये जो एरिया बहुत ही ठंडा है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।